गणेश की बाजार सजा हुआ है, साल में एक ही बार दिखता। कोरोना कारण दो तीन साल से आपको ऐसा बाजार सजते नहीं दिख रहा था, और हम आए हुए हैं सदर लाइन में, जहां पे बहुत सारी गणेश भगवान की दुकानें और सभी दुकानों में बहुत भीड़ है। श्रद्धालुओं में इस बार बहुत उत्साह है, क्योंकि दो साल बाद उनको मौका मिल रहा है। ये गणेश मूर्ति आप देख सकते हैं, एक मैडम जी आई हुई हैं, और कैसा लग रहा है गणेश की शॉप से ले जा रही है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं हर साल यही वाली शॉप से लेके जाती हूँ, और इस साल भी मैं अपने भैया को बोली कि यही वाली शॉप में चलना है हमको। ये मुझे आंटी ने 700 दिया है जी। आज से कल से भगवान विराज जाएंगे जी, आप लोग अपनी पूरी मनोकामना बिल्कुल, हम अपनी श्रद्धा और पूरी मनोकामना के साथ। गणेश जी को आप लोग पास में रखते हैं? हमको तो एक फैमिली के जैसा लगता है, और जिस दिन ये चले जाते हैं तो उस दिन ऐसा लगता है कि कोई जा रहा है, मतलब हमारे फ्रेंड जैसे ही। बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ये रखने से बहुत शुभ भी होता है। जी मैं भी गणेश मूर्ति लेने आया हूँ, और हर साल हम लोग गणेश अपने पास श्रद्धा से रखते हैं, और जैसा कि नेहा ने बताया कि जब ये जाते हैं तो एक मायूसी सी छा जाती है। वाकई में ये सच है कि इनके आने से खुशियाँ लौटती हैं, जब ये जाते हैं तो थोड़ा दुख तो होता ही है। आप तो खरीदने आए? हम भी इसी दुकान से प्रतिवर्ष खरीद रहे हैं, दो मूर्तियाँ खरीदते हैं, एक ऑफिस के लिए, एक घर के लिए। क्या काम है आपका? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये कंपनी सेक्रेटरी। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। हाँ, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रिया खंडेलवाल। तो ये रखने से अच्छा लगता है? हाँ, फायदे के लिए नहीं रखते, मन की आत्मिक शांति के लिए रखते हैं। तो कब से रखते आ रहे हैं ऑफिस में? हो गए 6वां साल है। 17 साल? अच्छा, मुझे 9 साल हो गए हैं। एक ही ऑफिस जी? एक ही साथ में? साथ में ही है जी। पढ़ाई में गणेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, गणेश जी विवेक के देवता है, और विवेक का जीवन में विशेष महत्व है। तो जब आप पढ़ाई करते थे उस समय भी गणेश जी की पूजा करते होंगे? एनी टाइम, बिल्कुल जी जी। और आपको ऐसा लगता है सीए बने हैं तो गणेश जी के कारण? बेसिकली मैं सीएस हूँ जी जी जी, बिल्कुल गणेश जी की बहुत बड़ी कृपा रही है। श्रद्धा इन्हीं मूर्तियों के माध्यम से, आस्था इन्हीं मूर्तियों के माध्यम से घर तक पहुंचती है। उनको पहुंचाने वाले उनके जो दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये मूर्तियाँ कितने कितने तक की हैं? जैसे यहाँ 500 से स्टार्टिंग है भैया मूर्ति। आप बताइए, ये वाली, ये अलमारी वाली? ये वाले 1000 से 1500 रुपये तक है। ये मूर्ति 2500 रुपये का है, बड़ा वाला लोगे तो 4500 रुपया है, छोटा लोगे 500 से 500 रुपये से स्टार्ट है। सबसे सस्ती मूर्ति कौन थी? 500 रुपये वाली? 500 रुपये वाली छोटा वाला है वो छोटा वाला मूर्ति सबसे सस्ती 500 रुपये की मूर्ति है। हाँ, और सबसे महंगी कितने की है? सबसे महंगे में मेरे पास है 4500 तक। कौन सी वाली है? वो बड़ा वाला। तो इस साल ग्राहकी कैसी रही? ग्राहक तो थोड़ा ठीक है इसे। अच्छा, जब मान लीजिए कुछ मूर्तियाँ नहीं बिकी थी, उसको वापस? हाँ, घर लेके चले जाएंगे। कहाँ से आए आप? मैं आरंग से आया हूँ। आरंग से? आरंग से यहाँ मूर्ति बेचते हैं। और आपका काम हर साल का यही है? हाँ, मूर्ति बनाने का। तो कितनी मूर्ति आप बनाते हो, कितनी मूर्ति बिक जाती है? 400-500 नग बना लेते हैं, निकल जाता है उतना। अच्छा, 500 जाती है। तो सबसे ज्यादा किस रेट की मूर्ति बिकती है? सबसे ज्यादा मीडियम साइज का, ये जैसे 2500-3000 2500 अभी तो ज्यादा ज्यादा 40-50। हाँ, इस बार कम है मार्केटिंग के कारण, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर रही है। हाँ, ये देखिए, हम श्रद्धालुओं के बाद हम दुकानों में पहुंचे थे और मूर्तियों का रेट पता कर रहे थे। मुझे भी रेट नहीं पता था। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।